हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं और अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ से ही मेरी कामना है। और अभी रात के 8 बज रहा है और अभी हम कहाँ से वीडियो बना रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं वहीं पे किचन में काम कर रहे हैं। अभी बनाएंगे हम रोटी बनाएंगे। ननुआ का सब्जी बन रहा है और तो पानी भर रहे हैं। तो दोस्तों अभी बनाते हैं हम रोटी। सब्जी होने पे है तो भी हम बनाते हैं रोटी, फिर आप लोग से बात करते हैं आगे। दोस्तों हम रोटी बना रहे हैं, रोटी रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाते हैं, फिर घर को लाएंगे। रोटी बन रहा है दोस्तों, दोस्तों खाने में रोटी बन चुका है हमारा।
Thank you.
तो दोस्तों फाइनली काम हो गया है। पौने 9 बज गया। तो दोस्तों मेरा काम हो ही गया है और हम निकल चुके हैं घर के लिए। क्या हाल चाल है अर्जुन? तो दोस्तों हम घर पहुंचने वाले हैं, काम करके रास्ते में जा रहे हैं। 9 बजने वाला है, क्या करेंगे। तो दोस्तों हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं और बापरे क्या कीड़ा है मामा, और खूब बढ़िया हवा चल रहा है। अभी रात में गर्मी का दिन है ना, लेकिन हवा खूब बढ़िया चल रहा है। देखिए पेड़ में, पेड़ सब हिल रहा है। खूब बढ़िया हवा चल रहा है। दिखाते हैं मेरा बेटा क्या क्या कर रहे हो। बुबू क्या हुआ? बाल सब उठाओ, तुम्हारा आगे आंख में घुस रहा है। क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, अब दूध गर्म कौन कर रहा है ये? हेलो कर दो। हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। और लाइक और लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो कमेंट भी कर देना एक। और अभी क्या कर रहे हो तुम? दूध गर्म कर रहे हैं। और खाना खा लिया? हाँ। खा भी लिया? हाँ। ऐसे रात भी बहुत हो गया है तो बुब्बू हम भी हाथ पैर धोते हैं फिर खाना खाते हैं। वैसे तो बर्तन भी बहुत जमा है, अभी ही सब पड़ा हुआ है काम घर का भी। तो क्या किया जाए। तो दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं अभी, बताइए काम करते हैं वहीं पे। 9:15 बज गया, खूब बढ़िया हवा चल रहा है। वाह, देख रहे पालता सब दिन हम लोग का मिल रहा है। हम लोग का रूम छत के ऊपर बना हुआ है और गर्मी का दिन है तो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह का आज हम वीडियो बनाए आज वहाँ का। वैसे तो कभी ना कभी वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, देखेंगे। और तो ऐसे हमको डर लगता है कि दूसरे का घर का वीडियो हम कैसे बनाएं, लेकिन आज बना लिए थोड़ा सा। तो अगर कभी वो लोगों को बुरा लगेगा तो बस
माफ़ी मांग लेंगे, तो इसीलिए हम दूसरे का तो फाइनली हम रूम आ गए और खाना पीना खाते हैं। रात भी हो गया और आराम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह का काम करना पड़ता है, तो सुबह शाम का मेरा खाना बनाने का काम है और बाकी जो उसके बाद जो टाइम रहता है तो कि मतलब दोपहर के समय में तो कोई खाना बनाने के लिए नहीं रखता है, तो मतलब झाड़ू पोछा बर्तन इस तरह का काम मिलता है वो करते हैं, फिर पार्किंग वर्किंग जो फ्लैट अपार्टमेंट होता है वो सब करते हैं। सब कैसे काम करते हैं क्या करते हैं इस मैटर में, इस ये में तो मतलब टॉपिक में हम चाहे तो बनाए हैं वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और वीडियो नए देख रहे हैं चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और इसी तरह का रात में बहुत दिक्कत होता है रात में आने में जाने में, लेकिन क्या करिएगा मजबूरी है ऐसे, लेकिन खर्चे पूरा नहीं हो पाते हैं तो करना पड़ता है, तो बहुत मतलब इसीलिए हम बस सिंपल रहते हैं, बस किसी का मतलब बहुत कोई ताना भी मारते हैं, बहुत कोई कुछ को कुछ भी बोल देते हैं। और एक जगह तो मतलब रेंट पे रहते थे घर में इसी तरह रूम लेके, तो दोस्तों वहाँ से हमको बुला गया कि तुम रात तक काम करती हो तो तुमको नहीं रखेंगे रेंट पे, तुम औरत हो, औरत रात तक घूमने से मतलब सही नहीं है ऐसे करके। तो दोस्तों हम लोग शहर में हम कह रह रहे हैं क्यों रह रहे हैं, कमाएंगे नहीं तो रेंट कैसे देंगे, और कमाएंगे नहीं तो फिर बच्चा का फीस कैसे भरेंगे, और ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं नहीं तो मेरा बेटा मतलब पढ़ रहा है तो ट्यूशन अलग से रखाए हैं और स्कूल अलग से, तो दोनों जगह का फीस भी भरना पड़ता है और घर का रेंट भी है, खाना पीना बच्चा का सारा चीज़ पूरा करना, तो सारा मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग को दिल से हम दिल से मांग रहे हैं कुछ कि आप लोग सपोर्ट करिए, और हमको बहुत ही ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और बहुत ही लोग मतलब गंदे ये से सोचता है, और यहाँ पे शहर में कोई नहीं है मेरा, हम बेटा के साथ रहते हैं लेकिन मतलब क्या करेंगे, ऐसे हम लोग पहले से रहते थे यहाँ पे, मेरा हस्बैंड जब जिंदा थे तब से रहते थे, वही हम लोग को लेके आए थे, मतलब वो ड्राइवरिंग करते थे, ड्राइवर थे और हम लोग को लेके आए थे हमको, वैसे हम तो गांव से कभी शहर में कभी नहीं आए थे, बहुत ही मुश्किल होता था यहाँ पे, जैसे कि मतलब कहीं रोड पे जाइए तो रोड में पार होने के लिए डर लगता था एकदम रास्ते में, मतलब इतना भीड़ रहता था रोड, तो अभी तो कर लेते हैं सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं, अभी तो आदत हो गया। और जैसे कि शहर में देखा जाए तो बहुत ही अलग शर्माता नहीं है, लेकिन अभी तो हमको आदत हो गया, लेकिन उस समय ऐसे ऐसे दिक्कत हो रहा था, तो हम बिल्कुल गांव से आए थे शहर में, और अभी मतलब जब यहाँ रहने लगे तो यही सोचे कि मतलब हस्बैंड बहुत बीमार रहते थे तो हम काम करना शुरू कर दिए थे दूसरे के घर में, तो शुरू शुरू में मतलब एक ही जगह करते थे, एक ही जगह करते करते जिम्मेवारी बढ़ने लगा बच्चा का, तो काम ज़्यादा करने लगे और इतना हार्ड वर्क हो जाता है कि दिन भर काम करना पड़ता है इधर उधर पार्किंग फ्लैट इस सब में, कहीं कहीं तो मतलब जैसे कि दोस्तों बहुत कोई बड़े लोग भी दयालु नहीं होते हैं बिल्कुल भी, किसी किसी को
ऐसा ऐसा मतलब वो लोग मिल जाते हैं, इतना साल यहाँ पे रहे हैं, 10-12 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत तरह का लोग हमको मिले। जैसे कि बहुत लोग मतलब अपना मतलब जब मन चाहे काम से निकाल भी देता है, तो जब तक दूसरा का जगह काम नहीं मिलता है तो कितना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और जो महीना काम नहीं मिला तो उस महीना कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। और मतलब कि बहुत ही मुश्किल से ऐसे ऐसे करके बहुत ही मुश्किल से समय काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं दोस्तों। और बहुत कोई छुड़वाने में मजबूर कर देता है तो वहाँ पे खुद भी छोड़ना पड़ता है। तो हम लोग का कोई परमानेंट काम नहीं है कि सब काम जब चाहे निकाल देता है और जब चाहे हम लोग को छुड़वाने में मजबूर करता है, ऐसे ऐसे बिलीव करता है, ऐसे ऐसे व्यवहार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बहुत ही दिल रोता है, बहुत ही ख़राब लगता है मन में, तो कब कहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ पे कोई ये नहीं है। तो जैसे कि अपार्टमेंट सब में सफाई करते हैं, इस बारे हम वीडियो बना चुके हैं, और काम करते करते जो शूट किए हैं वीडियो तो उस बारे हम बना चुके हैं, तो उसमें बहुत ही हार्ड वर्क होता है। लेकिन क्या करेंगे, उसको 1 से 2 साल हो रहा है, नहीं 1.5 साल तक हो गया, तो तब से हम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम काम से बहुत सबको ही निकाल दिया था कोरोना में, तो उसके बाद कितना मुश्किल हुआ हम लोग को कि कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं है, कहीं से भी नहीं। तो उस समय दोस्तों बस लाइन लग लग के, एकदम लाइन लग लग के खाना भी लेने जाते थे हम लोग, तो ऐसा स्थिति में हम लोग गुजरे हैं। और कोरोना के बाद हम इस तरह का काम करने लगे, जो अपार्टमेंट वगैरह काम नहीं मिलने से क्या करिएगा, पेट क्या नहीं करवाता है, मजबूरी में क्या नहीं करता है आदमी। तो खैर कोई बात नहीं, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, तो यही सोच के हम सब काम करने लगे। बहुत कोई को तो शर्म भी आता है कि ऐसे काम कैसे करेंगे, लेकिन यूँ ही नहीं मतलब गांव में क्या काम करेंगे, गांव में काम नहीं मिलता है, ये भी बहुत ही बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो गांव में कोई काम नज़र रहता नहीं है, तो बस शहर में इसीलिए अटके हुए हैं। यहाँ पे काम आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो सब तरह का काम मिलता है और गुजारा चल सकता है, किसी के आगे हाथ फैलाने का नहीं ज़रूरत पड़ता है, रोजी रोटी अच्छा से चला लेते हैं उसी तरह का दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या बोलेंगे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग यही बोलेंगे कि सपोर्ट करिए, और बहुत ही ज़रूरत है। और बिल्कुल अकेला रहते हैं तो ये सब काम में छुट्टी भी नहीं देता है, जो बहुत ही दिक्कत लगता है। बहुत फैमिली परिवार से मिलने के लिए बहुत ही तरस जाते हैं दोस्तों, जैसे कि खास करके फैमिली में तो मतलब माँ बाप बहुत ही याद आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम मम्मी पापा के साथ भी वीडियो बना पाए और उन लोग के साथ टाइम बिताए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और आप लोग यही कहेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट करिए। और रात हो गया है बहुत दोस्तों, तो खाना पीना खा लेते हैं, फिर आप लोग को हम गुड नाइट बोलेंगे, पहले खाना खा लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों तब तक के लिए। तो हेलो दोस्तों, आइए आप लोग खाना खाइए मेरे साथ, देखिए खाना वहाँ बना है रोटी, पर हम खा रहे हैं सब्जी और चावल। सब्जी में क्या है, आलू और गोभी का सब्जी, तो ये शॉर्टकट बनता है। कुकर में चढ़ा देते हैं भात, और जब टाइम मिलता है थोड़ा सा तो उसी में सब्जी काट लेते हैं, और जब टाइम मिलता है तो सब्जी बनाते हैं। तो इस तरह का हम लोग का होता है। तो चावल तो ऐसे बेटा भी मेरा बना लेता है, कुकर में अंदाज बता दिए हैं तो उसको आता है, और सब्जी वगैरह उसी तरह का मैनेज करते हैं दोस्तों। तो हमको समय बहुत नहीं रहता है, तो बहुत ऐसा वीडियो में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जो हम खाना बना रहे हैं अपने घर में और देख रहे हैं आप लोग, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमको उतना टाइम ही नहीं रहता है, 1-2 घंटा रहता है, उसमें से आराम भी करना है
तो उसी में से सब्जी काट के रख देना है, और फिर जब टाइम मिले तो बनाते हैं, उस तरह का हो जाता है। तो दोस्तों खाना खा लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए तब तक। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम खाना उना खा लिए और अपने रूम में आ चुके हैं, बेड में बैठे हैं। और वैसे तो अभी रात भी ढेर हो गया, अब आराम करना चाहिए क्योंकि दिन भर काम भी हो जाता है मेरा, तो अभी आराम करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए हम बाय बाय बोलते हैं, आप लोग को गुड नाइट बोलते हैं, और मेरा बेटा को भी बुलवाते हैं। साहिल, लगता है बाथरूम चला गया, बाथरूम चल गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी रखते हैं, और तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।